आप सभी साथियों को सबसे पहले अरस शिकारा की तरफ से राम राम। माल फिलहाल खड़े हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर और जो हमारा आखिरी रेलवे स्टेशन है हिंदुस्तान का वो है अटारी। अटारी रेलवे स्टेशन पे हैं। आप सभी साथियों को बता दें यहाँ से अटारी से जो ये एरिया है एक पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है हिंदुस्तान के अंदर जिस पर आपने आने के लिए यहाँ से ट्रेन में बैठने के लिए आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। और आप सभी साथियों को बता देता हूँ एक ट्रेन चली थी समझौता एक्सप्रेस, भारत पाकिस्तान का जो समझौता था शांति की परियत थी 1971 में उसको शुरू किया गया था। लेकिन आपस में अच्छे रिलेशन भारत पाकिस्तान के ना होने के कारण 2019 में उस ट्रेन को बंद कर दिया गया। आप सभी साथियों को बता देता हूं अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे देखोगे यहां पे ट्रेन खड़ी हुई है, ये काफ़ी लंबे टाइम से कई सालों से यहां खड़ी हुई है। इसके बिल्कुल पीछे यानी कि जो अगला स्टेशन वो पाकिस्तान का है, यहां से पाकिस्तान के अंदर एंट्री हो जाएगी। यहां पे जब भी आप आओ बिना परमिशन के इस रेलवे स्टेशन में ना घुसे, आपको सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप बिना परमिशन के यहां रेलवे स्टेशन पे आते हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लंबे टाइम तक आपकी जेल हो सकती है। ये वो चीजें हैं जो देखने की हैं, ये वो चीजें हैं जो ऐतिहासिक हैं, ये वो चीजें हैं जिसको नॉलेज में रखना, हमारे बच्चों को ज्ञान देना या हमारे बच्चों के सामने इन चीजों को लाना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को हिंदुस्तान की जो एम बातें हैं उसका पता लगता रहे। और आप कभी बॉर्डर की तरफ घूमने आओ तो इन चीजों को जरूर देख के आए। अगर यहाँ पे आप एक चीज देख पाओगे अच्छे से, हर जगह जंग लगा हुआ है, जो पटरिया इन पे भी जंग लगा हुआ है। उसका कारण क्या है? भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते ना होना। अच्छे रिश्ते ना होने के कारण इस पटरी को रोक दिया गया है, यहाँ से कोई आवागमन नहीं होता है। आप सभी साथी जब भी बाघा बॉर्डर देखने के लिए आए, अपनी फैमिली के साथ आए, तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करें ताकि विजिट के बाद आपको पता लग सके। बचपनी बच्चों जैसी हरकतें ना करें। बीच में आपको दिखाई देता होगा तार लगे हुए हैं, जाल लगा हुआ, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। आगे से भी जाओगे तो उससे आगे से दूसरी तरफ भी जाल लगा हुआ, वो जाल इसीलिए लगा रखा है ताकि आप दूसरे मुल्क यानी कि पाकिस्तान में एंट्री ना करो। यहाँ पे हर टाइम 24 घंटे फोर्स रहती है, फोर्स की आप निगरानी में रहते हो, हर जगह यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। बाकी जो अपने अटारी के यहाँ रेलवे स्टेशन पे जो कर्मचारी हैं वो बहुत शालीनता स्वभाव के अच्छे हैं, बड़े प्यार से पेश आते हैं, वो आराम से आपको देखने देते हैं, विजिट करने देते हैं, फोटो लेने देते हैं, किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं। मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान की अच्छी अच्छी चीज़ों का आपको ज्ञान होता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। राम राम, जय हिंद।